गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सारे बच्चे? चलिए स्टार्ट करें। ओके, हमारा व्यंजन अभी आपका प कंप्लीट हो चुका है। उसके मैंने आपको चित्र और शब्द बताए और आपको लिखना भी बताया, तो सारे बच्चे प व्यंजन बहुत अच्छे से बनाना सीख गए हैं। तो हम अब आगे का व्यंजन शुरू करते हैं। तो आपकी जो हिंदी की बुक है शब्द ज्ञान, उसमें हम आपको बताएंगे आज फ व्यंजन। प के बाद कौन सा व्यंजन आता है? फ व्यंजन, ठीक है? प फ। तो आज मैं आपको फ व्यंजन का पहचान कराऊंगी और उसके कुछ चित्र बताऊंगी। ये है आपका फ व्यंजन। ये कौन सा व्यंजन है? फ। फ से फल, फुव्वारा, फाउंटेन होता है ना, उसको बोलते हैं हम फुव्वारा। ये देखिए, फल, फुव्वारा, फुलझड़ी, जैसे पटाखा चलाते हैं वैसी फुलझड़ी, बच्चों की बहुत पसंदीदा पटाखा होता है ये, जो फुलझड़ी होती है, फूल और फालूदा आइसक्रीम। फा से फल, फा से फुव्वारा, फा से फुलझड़ी, फा से फूल, फा से फालूदा। ये आपके व्यंजन व्यंजन है फा, और इसके ये दो चित्र हैं, और ये फुलझड़ी, फूल और फालूदा, ये हैं शब्द। तो आज मैम ने आपको किस व्यंजन की पहचान कराई है? फ व्यंजन की। किस व्यंजन की पहचान कराई है? फ व्यंजन की। क से अंगा, च से या, ट से अड़ा, त था दधा ना, और प, और फिर ये हमारा व्यंजन आ गया फ। तो आज आपको मैम ने किस व्यंजन की पहचान कराई है? फ व्यंजन की। फल, फुव्वारा, फुलझड़ी, फूल, फालूदा। अब मैं आपको अपनी नोटबुक बताती हूँ, उसमें भी मैंने कुछ चित्र बनाए हैं, तो आप अच्छे से पहचान कर सकेंगे फ व्यंजन की। ये देखिए, ये है हमारा फ व्यंजन। फल, फूल, फुलझड़ी और फुव्वारा, तो ये कौन सा व्यंजन है हमारा? फ व्यंजन। तो आज आपको क्या करना है? आपको फ व्यंजन की पहचान करनी है। प व्यंजन के बाद जो व्यंजन आता है वो है फ व्यंजन, ठीक है? उसके चित्रों की पहचान करनी है, और फ व्यंजन से जो शब्द बनते हैं उनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो उसके बाद हम आपको फ व्यंजन लिखना सिखाएंगे। ओके, चलिए, बाय बच्चों।